Hey guys, welcome back to my channel Slay with Makeup and welcome back to another video. If anyone is new to my channel, then hi, my name is Janvi. I make videos on skincare, haircare, makeup, vlogs, and much more. If you guys are interested in watching my videos, then do like, share, and subscribe to my channel and press the bell icon. So, आज का video है, I think मेरे पूरे channel पे मैं ऐसा video पहली बार कर रही हूँ. So, first time in my channel, someone else is going to do my makeup and not me. So she is Nisha, जिसने आज मेरा मेकअप किया है. She is a very good and professional makeup artist. उनकी जो Instagram पेज की लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी. जब आप पूरा वीडियो देख लोगे, अगर आपको ऐसा लुक अच्छा लगता है तो आप उन्हें Instagram के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हो, अगर अपने घर पे कोई मेकअप करवाना चाहते हो तो. सो उन्होंने आज मेरा मेकअप किया है, हेयर स्टाइल किया है. मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि मुझे सारे प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं पता, क्योंकि हम लोग मेकअप थोड़ा ना जल्दबाजी में हमारा शेड्यूल था, तो इसके लिए आधे प्रोडक्ट्स मैंने देखा, आधे प्रोडक्ट्स पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि मैं बहुत टेंस थी उस टाइम पे. सो जितना प्रोडक्ट्स मैं जानती हूँ उनके बारे में मैं बता दूंगी, जो नहीं पता है आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट. सो या अभी देख लेते हैं कि मैंने कैसे, उन्होंने मेरा मेकअप कैसे किया है, और आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. सो सबसे पहले उन्होंने मेरा फेस क्लेंस किया है, और उसके बाद एक कोई भी स्पॉन्ज की हेल्प से उसे अच्छे से वाइप ऑफ कर दिया. उसके बाद उन्होंने स्क्रब यूज़ किया है, क्योंकि स्क्रब से डीप एक्सफोलिएट होता है, इससे जो जितना भी बचा कुचा थोड़ा सा भी डर्ट या कोई मेकअप है तो वो निकल जाएगा. सो एक क्लीन बेस बन जाएगा. उसके लिए उन्होंने अच्छे से फेस को वाइप ऑफ कर लिया, स्क्रब भी कर लिया. सो नाउ माई फेस इज़ रेडी फॉर मेकअप. उसके बाद उन्होंने एक रेजर की हेल्प से जो बचे कुचे बाल है उन्हें निकाल दिया था. उसके बाद पहले आईलिड्स को प्राइम किया है मेबलिन का एज रिवाइंड कंसीलर या उससे, और एक स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उन्होंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया. उसके बाद उन्होंने टार्ट शेप का ये जो कंसीलर है उसको ऊपर से और थोड़ा सा यूज़ किया है. उसके बाद ब्राउज के लिए उन्होंने यूज़ किया है एनास्टासिया बेवरी हिल्स, आई गेस आई एम स्पेलिंग इट राइट, अगर नहीं तो बता देना. और एक स्पूली और एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से उन्होंने अच्छे से पहले मेरे ब्रॉज सेट कर दिए. उसके बाद उन्होंने एक आई शेडो पैलेट में से पिंक कलर का शेड लिया, जिसे उन्होंने मेरे क्रीज पे अच्छे से डिपॉजिट किया, और थोड़े बहुत सिमिलर कलर्स के साथ मिक्स करके उसे अच्छे से ब्लेंड किया. उसके बाद एक ब्लैक कलर का शेड उन्होंने लगाया एक स्मोकी इफेक्ट देने के लिए, एंड उसके ऊपर से उन्होंने एक ब्लू कलर का आई शेडो लगाया, क्योंकि मेरा आउटफिट ब्लू कलर का था तो टच कराना था इसके लिए, एंड उसको अच्छे से ब्लेंड किया दोनों कलर्स को, ताकि सब कुछ एकदम सीमलेस लगे. उसके बाद एक हाइलाइटिंग शेड की हेल्प से उन्होंने मेरा ब्रो बोन अच्छे से हाईलाइट किया, ताकि जो मेरा ब्रो शेप है वो क्लियरली दिख सके. उसके बाद अपने अंडर आइज में अलॉट होता है उसे उन्होंने अच्छे से क्लीन किया, और उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाया है, एंड उसके बाद प्राइमर भी लगाया है. सो ये थोड़ा ग्लोइंग वाला मॉइस्चराइजर है, ताकि थोड़ा ग्लोइंग लुक आए. उसके बाद उन्होंने मैक का स्ट्रोब क्रीम लगाया उसके ऊपर से, ताकि बहुत ही ग्लोइंग डूई सा मेकअप लुक क्रिएट हो. और उसके बाद उसको भी एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं. उसके बाद अंडर आइज़ को हाइड्रेट करने के लिए उन्होंने एक अंडर आई क्रीम का भी इस्तेमाल किया, ताकि जो भी हम कंसीलर वगैरह करने वाले हैं वो क्रीज ना हो उसके लिए. एंड उसके बाद सब कुछ एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, और अभी हमारा फेस बेस के लिए तैयार है. सो उसके बाद एक डार्क कलर का कंसीलर पिक किया उन्होंने, जो मेरे
फेस कलर से थोड़ा सा डार्क है, उससे मेरी जितनी भी पिगमेंटेड एरियाज है मेरे पूरे फेस पे वहाँ पर लगाया है, ताकि जो भी अनइवन स्किन टोन है वो एकदम इवन हो जाए। उसके बाद उससे थोड़ा सा लाइट शेड वाला कंसीलर जो है उसके ऊपर लगाया है, जहाँ जहाँ हमने पहले कंसीलर लगाया था वहीं पे लगाया है। और उसके बाद एक छोटू सा स्पंज की हेल्प से उन्होंने उन सबको भी अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अभी आप देख सकते हो कि जितनी मेरी अनइवन स्किन टोन है वो ऑलमोस्ट जा चुकी है, और मेरी पूरी की पूरी स्किन और फेस सब कुछ क्लियर लग रहा है। सो इसके लिए दोनों प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद उन्होंने हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन यूज़ किया है, और उसको अच्छे से मिक्स करके मेरे शेड के हिसाब से एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से वो अच्छे से मेरे पूरे फेस पे इवनली लगा रहे हैं। सो हमें ईयर और नेक इन सबको भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि बॉडी का कलर और अगर फेस का कलर डिफरेंस होता है तो अच्छा नहीं लगता है। वो फिलहाल अभी मेरे बॉडी पे नहीं लगा रहे, लेकिन वो बाद में मेरे नेक के ऊपर भी लगाएंगे। उसके बाद वही कंसीलर लगा के जो लाइट शेड वाला कंसीलर है उसे यूज़ किया है, ताकि जो भी मेरी अंडर आइज़ और हाइलाइटिंग प्लेसेस है उन्हें पूरे फेस में हाईलाइट कर पाए। और उसके बाद मेरे नोज़ को कॉन्टोर करने के लिए उन्होंने एलए गर्ल का वो कॉन्टोर वाला कंसीलर आता है ना, उसे यूज़ किया है। और उसके बाद इन सबको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अभी थोड़ा मेरा फेस ज़्यादा वाइट लगेगा, बट डोंट वरी गाइस, जब लास्ट में लुक एक साथ जब बैठ जाता है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद उन्होंने उस कंसीलर के साथ फिर से थोड़ा सा टचअप किया, ताकि थोड़ी सी और ब्राइटनेस आए मेरे अंडर आइज पे। आप लोग को लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम यहाँ पे ब्राइडल लुक अचीव कर रहे हैं, सो ब्राइडल लुक के लिए इतने कोट्स देने ही पड़ते हैं, सो इसलिए। उसके बाद उन्होंने लूज पाउडर की हेल्प से मेरे फेस को बेक किया, आई थिंक हुडा ब्यूटी का लूज पाउडर है या सो। उसके बाद वही एलए गर्ल का जो कॉन्टोर है उससे मेरे पूरे फेस को अच्छे से कॉन्टोर किया, और एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से इन सबको ब्लेंड कर लिया है, ताकि सब कुछ सीमलेस लगे। उसके बाद जो हमने ऊपर वाला जो आई मेकअप किया है उसी को मैच करने के लिए नीचे भी वही कलर्स लगा रहे, सबसे पहले वो पिंक कलर, और उसके बाद जो हमने स्मोकी आई के लिए ब्लू कलर यूज़ किया था वो उसे नीचे लगा रहे हैं एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से, और उसके बाद उन सबको भी अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं। एक्चुअली उसके बाद मेरी कैमरा की बैटरी चली गई थी, इसलिए हमने थोड़ी जगह वगैरह थोड़ी अदला बदली कर दी, इसलिए थोड़ी लाइटिंग अभी फ़िलहाल कम आ रही है, बट थोड़ी देर बाद सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद एक्चुअली जो ब्लश और हाइलाइटर लगाने वाला जो टेप है ना वो मुझसे गलती से डिलीट हो गया, पता नहीं जब मैं एक्सपोर्ट कर रही थी कैमरा से मुझे कहीं मिल नहीं रहा था, सो सॉरी गाइस। और अगर मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि उन्होंने हाइलाइटर मैक का यूज़ किया था और ब्लश उन्होंने पैक का यूज़ किया था, और अभी जो लिपस्टिक वो लगा रहे हैं वो शुगर की लिपस्टिक है, इट्स अ रियली गॉर्जियस पिंक। सो अभी फेस मेकअप हो चुका है और मैक की सेटिंग स्प्रे की हेल्प से मेरे पूरे फेस को अच्छे से सेट कर लिया है, और उसके बाद एक फ़ैन की हेल्प से वो सूखने का वेट कर रहे थे। और उसके बाद फिर लैशेस की बारी है, उन्होंने सबसे पहले मस्कारा लगाया है अपने ऊपर और नीचे के लैशेस पे,
उसके बाद अभी बारी है हेयर की। एक्चुअली मैं हेयर का पूरा वीडियो नहीं निकाल पाई क्योंकि तब तक मेरे फ़ोन की बैटरी जो भी थी ऑलमोस्ट डेड हो चुकी थी। इसलिए तो सबसे पहले मेरे बालों को वो स्ट्रेट कर रहे हैं और स्ट्रेट करने के बाद वो क्रिम्पल कर रहे हैं। जो लास्ट में जो रिज़ल्ट आता है वो आपको लास्ट में दिख जाएगा। सो उसके बाद उन्होंने दो लैशेस को मिक्स करके एक लैश बना के लगाया था। उससे बहुत ही अच्छा लुक आ रहा था अगर हम दो लैशेस को मिक्स करके लगाते हैं तो। सो बस लास्ट में बस बालों की तैयारी हो रही थी, मेकअप ऑलमोस्ट हो चुका था। गाइज द वेट इज़ ओवर एंड हियर इज़ द फाइनल लुक। आप देख सकते हो कि जितनी भी ज्वेलरी है वो भी सब कुछ यू नो ड्रेस के सिमिलर है। सो ज्वेलरी, मेकअप, हेयर स्टाइल, आउटफिट सब कुछ उनके तरफ से था, मेरा कुछ भी नहीं था इसमें। एंड आई रियली 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 लव द लुक, एस्पेशली हेयर कितना खूबसूरत बनाया उन्होंने मेरे बालों को। सो आई रियली लव द लुक गाइज। आप भी ज़रूर बताना कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा। सो यही है निशा जिन्होंने मेरा ये सुंदर सा मेकअप लुक क्रिएट किया है। सो यस
एनीवेज गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आप लोगों को ये वीडियो और ये मेकअप लुक दोनों अच्छा लगा होगा. सो अगर आपको अच्छा लगा तो मैंने जैसे बोला था कि मैं उनका इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके उनका पेज चेकआउट कर सकते हो. उन्होंने ऐसे ही बहुत सारे अमेजिंग मेकअप लुक्स क्रिएट किया है बहुत सारे लोगों पे. सो आप इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हो. एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा. वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ. अंटिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लविंग माई वीडियोज. और हाँ, अगर आपके कोई फ्रेंड्स ब्राइड बनने वाले हैं तो उनको ये वीडियो जरूर दिखाना, आई थिंक उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा. सो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में. बाय बाय.